टेस्टिंग टेस्टिंग 1 2 3। टेस्टिंग किस चीज़ की जा रही है भाई? टेस्टिंग आवाज़ की जा रही है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से व्लॉग्स बना नहीं रहा था, नहीं बना सक रहा था, क्योंकि मेरी आवाज़ बंद हो चुकी थी, बिल्कुल कम्प्लीटली गॉन। तो भाई गला से बंद हो गया था क्योंकि वायरल था, इन्फेक्शन था, वैसे ही बच्चों को हो चुका था। ये आप लोगों ने ब्लॉग में देखा भी होगा कि नेबुलाइज हो गए थे बच्चे, तो वहीं से भाई मुझे भी हो गया। आवाज़ बिल्कुल ही बंद हो चुकी थी, अब जाके आवाज़ खुली है, तो ब्लॉग्स भी खुले हैं, और ब्लॉग्स खुले हैं तो फिर कॉन्टेंट भी बनेगा, कॉन्टेंट बनेगा तो कुछ बातें भी होंगी जो ज़रूरी नहीं करनी। बाबा की बेटिया आ गई, बाबा की भैया तैयार हो गए। अभी मुझे एक मीटिंग में जाना है, मीटिंग से फ्री हो के मुझे एक छोटा सा काम है। छोटा सा काम ये है कि मैं सोच रहा हूँ कि एक सस्ता सा कोई गोरिल्ला पॉड ले लूँ, क्योंकि उसकी मुझे ज़रूरत पड़ रही है। ट्राईपॉड से मैं जितना काम कर सकता था आई थिंक वो चल रहा है, लेकिन एक जो व्यू और जो एक एंगल मुझे गोरिल्ला पॉड से मिल सकता है वो शायद मुझे इस ट्राईपॉड से नहीं मिल पा रहा है। वरना तो मैं जुगाड़े कर रहा था कि किसी चीज़ से मोबाइल को हटका के रख दिया और फिर कोई ऐसा एंगल क्रिएट कर दिया, लेकिन हर जगह वो जुगाड़ नहीं चल सकती। तो एक गोरिल्ला पॉड ले लेते हैं, सस्ता सा लूँगा, कौन सा मेरा कोई मिररलेस कोई 10 लाख रुपये का कैमरा है भाई के कोई जो भी शो भी है, मैं कोई गोरिल्ला पॉड लूँ। इरादा तो यही रखता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह खैर उसके ऊपर भी बात करेंगे बाद में, लेकिन जल्दी से मैं तैयार होता हूँ और मीटिंग लेने करता हूँ। टाटा बाय बाय। चलो भाई जल्दी जल्दी चलते हैं, मीटिंग के लिए देर हो रही है। भाई पार्किंग मिल गई, जल्दी से जा रहा हूँ, मीटिंग करके आता हूँ फ्री होके। मुझे अपना वो क्या कहते हैं उसको गोरिल्ला पॉड भी लेना है, तो फिर वो लेने चलेंगे। जी भाई मीटिंग से फ्री हो गया हूँ, अब बस जल्दी से जा रहा हूँ अपना ट्राईपॉड देखने के लिए, अगर मिल जाता तो बहुत अच्छी बात है भाई। उसके बाद फिर ऑफिस भी मुझे पहुँचना है, वक्त कम है और मुकाबला बहुत तेज़ चल रहा है भाई। ये भाई मुझे मिल गया, ये कुछ गोरिल्ला पॉड ट्राईपॉड समथिंग कुछ ऐसी है, तो घर में जाके चेक करते हैं। सही है, बुरा नहीं है, मैंने कोई ऐसा हाईफाई नहीं लिया, कोई ऐसा ब्रांड नहीं है ये, लेकिन मैं कहीं जगहों पर फील करता हूँ कि नहीं यार ये चीज़ जो है इस तरह की कोई चीज़ होनी चाहिए, जहाँ पे मुझे कोई रिकॉर्ड कैमरा एंगल होता है वो एंगल मुझे हर जगह नहीं मिल पाता। जाहिर सी बात है मैं मोबाइल बात दफ़ा देख रहा होता हूँ कि किस चीज़ से अटका के रखूँ, किस तरह वो एंगल क्रिएट करूँ, तो ये चीज़ अच्छी है। ये हाइट मुझे चाहिए, ये एंगल मुझे चाहिए, ये ठीक है। तो ट्राईपॉड कम से कम भी इतना ऊंचा है, तो ट्राईपॉड पे चीज़ नहीं आ सकती है, उसके लिए ऐसी ही किसी चीज़ की ज़रूरत थी मुझे। हाइपरलेस बनाते हुए मुझे इस चीज़ का काफ़ी फ़ायदा होगा। इसका ये है कि मैं कोई ग्रिल है या कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे मैं इसको फंसा सकता हूँ जहाँ पर, और हाइपरलैप्स रिकॉर्ड कर सकता हूँ। बाकी अब मैं जब नेक्स्ट व्लॉग बनाऊँगा तो उसमें इसका फ़ायदा भी चेक करूँगा। हमारे लिए तो एक छोटी सी चीज़ है, मैंने जो एक इन्वेस्टमेंट की अपनी व्लॉगिंग के ऊपर वो मेरा मोबाइल फ़ोन है, क्योंकि मेरा पुराना मोबाइल फ़ोन में 4K रिकॉर्डिंग थी नहीं, पुराना मोबाइल था कोई ख़ास रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, तो मैंने मोबाइल फ़ोन ले लिया। मैंने कहा चलो मोबाइल भी अपग्रेड हो जाएगा और कैमरा भी अच्छा मिल जाएगा मुझे। ऑब्वियसली इसकी वीडियो में और जो प्रोफेशनल कैमराज होते हैं स्पेशली व्लॉगिंग के लिए जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सोनी के मिररलेस कैमरे हो गए या
कैनन के हो गए, उसका मुकाबला तो नहीं है। और लो लाइट में भी इसकी परफॉर्मेंस कुछ नहीं खास है। इरादा ये रखता हूँ कि इंशाल्लाह जैसे जैसे मेरा चैनल ग्रो करेगा तो मेरा जो इक्विपमेंट है वो भी ग्रो करेगा। अभी इक्विपमेंट मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं, ना मैं ऑब्वियसली दिखाने वाला भी नहीं है। एक ही चीज़ नहीं है, ट्राईपॉड है, मोबाइल फ़ोन है मेरा, बाकी वाइड एंगल लेंस वगैरह, माइक, यस माइक भी है मेरा जो मैं भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ, वो भी मैंने करना है। तो ये कुछ इक्विपमेंट है। इंशाल्लाह मेरा इरादा ये है कि जैसे जैसे चैनल ग्रो करे तो ड्रोन सबसे पहले लूँ, कैमरा मैं बाद में करता रहूँगा अपग्रेड उसको, लेकिन ड्रोन का मुझे बहुत ज़्यादा शौक भी है। और मैं समझता हूँ कि जो शॉर्ट्स निकल कर आते हैं ड्रोन के मुकाबले, भाई आज मैं अपने बेटे को प्रैक्टिस करवा रहा था साइकिल की, तो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि जैसे वो एक क्वाड साइकिल चलाता था उसमें चार पहिए होते थे, और फिर मैंने चार में से एक व्हील उसका निकाल दिया, फिर उसने प्रैक्टिस की तीन व्हील्स के ऊपर, और फिर मैंने तीसरा व्हील भी जो सपोर्टिंग व्हील होता है वो भी निकाल दिया, तो अब वो प्रैक्टिस कर रहे हैं दो व्हील्स के ऊपर, चला रहा है, गिर भी रहा है, फिर बैलेंस भी करनी सीख रहा है, चला रहा है, और अब बहुत अच्छी भी चलाने लग गया है, बहुत हद तक अच्छी चला रहा है। भाई यही चीज़ मैंने रियलाइज़ भी की जब मैं उसको देख रहा था प्रैक्टिस करते हुए कि भाई मैं अगर अपने पुराने ब्लॉग्स उठा के देखूँ और अब के ब्लॉग्स उठा के देखूँ तो मुझे एटलीस्ट ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है, चाहे वो एडिटिंग की बात आ जाए या कॉन्टेंट रिलेटेड बात आ जाए या वीडियो क्वालिटी की बात आ जाए या इवन मैं किस तरह बात करता हूँ। ये अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीज़ें हैं जो मैं इनकॉर्पोरेट करूँगा अपने ब्लॉग्स में, इसको ट्राई करता हूँ। तो भाई ये मैंने थोड़ी इसकी पोजीशन चेंज की है, मैं चेक कराता हूँ। एक दो और चीज़ है, भाई ये भी इसका फ़ायदा है, ये हाइट मुझे ट्राईपॉड से या किसी और चीज़ से नहीं मिलती थी कैमरे की, वो इस वाले गोरिल्ला पॉड से मिल रही है, तो ये वाला एंगल भी मुझे चाहिए था जो मुझे इससे मिल रहा है, तो अच्छी चीज़ है। ये भी कर सकता हूँ मैं इसके साथ, कोई भी ग्रिल या कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे मुझे अपना ये मोबाइल फिक्स करना है तो भाई हम इस ट्राईपॉड से फिक्स कर सकते हैं, तो ये भी अच्छा फ़ायदा है इसका, रुक भी गया एक जगह पर ही है। सही है भाई, तो इसी के साथ मैं ये वाला ब्लॉग ख़त्म करता हूँ, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत दिनों से मैं ये कर नहीं रहा था तो अच्छा लग रहा है करते हुए दोबारा। ओवर एंड आउट।